नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो क्या रूल रेगुलेशन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ का क्या है, ड्रेस कोड क्या है, कितने पैसे लगते हैं, पर डे कितने पैसे पे करने होते हैं, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या होता है। सबसे पहले तो ये आपका जो डिवीज़न होगा वहाँ से एक ऑर्डर इशू होता है, हर एक कैंडिडेट को ये लेटर मिलेगा ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कि आपको ट्रेनिंग जाना है, कितने लोगों को जाना है, उन सबके नाम होगा यहाँ पे। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये 2015 बैच के बच्चे हैं जिनकी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। जो तीन बच्चे हैं, ये चेन्नई का मेरा एक दोस्त है, उसका ही मैंने लेटर का आपको दिखा रहा हूँ। तो जिसका जो कॉपी होगा उसके नाम के सामने ऐसे टिक करके मिलेगा। तो तीन बच्चे गए हैं तो तीनों का नाम है, जिसका ये कॉपी है उसके नाम के सामने पेन से टिक किया रहेगा। तो इसमें ये आपका डिवीज़न से होगा, जैसे एयरमेल सॉर्टिंग डिवीज़न में ये लोग काम कर रहा है तो एयरमेल सॉर्टिंग डिवीज़न का लेटर है। तो यहाँ से ये लोग गया है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल की तरफ से लेटर आएगा, उसके बाद आपको डिवीज़न ऑफिस ये लेटर इशू करता है, जो SRM या पोस्ट मास्टर जो भी होगा वो इशू कर देगा। इसमें आपको डेट मेंशन होगा कि कब से कब की आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, ट्रेनिंग फॉर ऐसे मदुरई विच विल बी हेल्प फ्रॉम 9/7/2018 टू 6/9/2018। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9/7 मीन्स 9 जुलाई से लेके इनकी ट्रेनिंग है 6 सितंबर तक। 6 सितंबर तक मीन्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 57 डेज, 57 डेज हो जा रहा है, 57 to 58 डेज। ये एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लीव के अनुसार होता है। बहुत बार होता है कि कुछ बच्चों का ट्रेनिंग 60 दिन का हो जाता है, कुछ का 54 डे में ख़त्म होता है, कुछ का 56, अलग अलग बैच का एक दो दिन का वैरी हो सकता है। ये मेनली होता इसलिए है कि जो बच्चे मई जून में जा रहे हैं ट्रेनिंग पे, तो उस टाइम पे कोई भी गजटेड हॉलीडे नहीं होता, तो उनका ट्रेनिंग 2 से 3 दिन कम हो गया। जो बच्चे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जा रहे हैं तो उस टाइम पे गजटेड हॉलीडे, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, बहुत सारे गजटेड हॉलीडे होते हैं, तो गजटेड हॉलीडे ट्रेनिंग पीरियड में काउंट नहीं होता, जो हॉलीडे होगा वो हॉलीडे में काउंट हो जाएगा। तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग पीरियड बढ़ जाती है, तो उनके ऑलमोस्ट 60 दिन तक हो जाती है। जितना एक्स्ट्रा छुट्टी होगा संडे के अलावा, अगर ज़्यादा छुट्टी मिल रहा है आपके जो ट्रेनिंग पीरियड जो 2 महीने का उसमें एक्स्ट्रा छुट्टी है, तो आपका ट्रेनिंग पीरियड भी बढ़ जाएगा। बाकी ये सारे डिटेल्स आपका नाम के साथ रहेगा, कब से कब ट्रेनिंग है। सबसे पहला आपका काम यही होता है, ये लेटर इशू हो जाएगा आपको, ये अपने डिवीज़न से मिलेगा ये लेटर तो कि कब से कब आपको ट्रेनिंग जाना है। इसके बाद अकाउंट ब्रांच का काम होता है, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, आपको ट्रेनिंग पे वहाँ पे फीस जो पे करना है वो आपका डिपार्टमेंट पहले ही पैसे दे देगा। जैसा कि इन लोगों का है जो 57 डे का ट्रेनिंग है, उसके कॉस्ट जो है 15,000 बन रहा है, 250 रुपीज़ पर डे का होता है, हॉस्टल चार्ज और फूड चार्ज जो वहाँ पर ट्रेनिंग में लगता है 250 रुपीज़ पर डे। तो ये जो 15,000 रुपये हैं ये भी थोड़ा सा 200-400-500 रुपये वैरी होगा, जैसे आपका दिन आगे पीछे होगा। कुछ का 60 दिन का जिसका होगा उसके बढ़ जाएंगे, जिसका 54 डेज का होगा उसके थोड़े कम भी हो जाएंगे। इन लोगों का 57 डेज का है तो 15,000 रुपये उसके लिए मिले हुए हैं। अगर ये ज़्यादा कम, वहाँ भी बहुत बार होता है कि PTC में जाने के बाद भी एक दो दिन एक्स्ट्रा हो गए तो आपको अलग से पैसे पे करने पड़ जाते हैं, तो आप पैसे पे कर दें, उसके जो रिसिप्ट होते हैं वो आप डिपार्टमेंट में ला के अपने डिवीज़न में जमा करेंगे तो आपको वो पैसे मिल जाते हैं। तो ये आपको डिवीज़न से पैसे मिल जाएंगे, पहले ही एडवांस में मिल जाते हैं। जैसा कि इसमें ये अकाउंट ब्रांच का, सबसे पहले तो आपको डिवीज़न से ट्रेनिंग ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद ये अकाउंट ब्रांच से आपके पैसे के लेटर मिल जाएगा, इसको भी संभाल के रखना होता है आपको। ये मिलने के बाद ये जो 15,000 रुपये मिले वो आपको पोस्ट ऑफिस में ले जाकर जमा कराना होगा, UCR लेना होता है, इसको अनक्लासीफाइड रिसिप्ट बोलते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस में, नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस होगा, जाके आप बोलेंगे कि मुझे ट्रेनिंग सेंटर, जो भी आपका सर्कल का ट्रेनिंग सेंटर होगा उस सर्कल का ट्रेनिंग सेंटर का एक बिलर ID होता है, जैसे मदुरई के लिए है तो इन्होंने मदुरई के बिलर ID पे ये जो रिसिप्ट कटाया है, वैसे ही वडोदरा के लिए अलग होगा, गुवाहाटी के लिए अलग होगा, दरभंगा के लिए अलग, सहारनपुर, सबके अलग अलग बिलर ID होता है। तो आपका सर्कल का ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है उसके अनुसार आप जाके पोस्ट ऑफिस में ये जमा करेंगे और ये UCR ले लेंगे। एक कॉपी पोस्ट ऑफिस अपने पास रख लेगा 15,000, जैसा कि आप अमाउंट यहाँ पर देख रहे हैं 15,000 रुपये का इन्होंने UCR कटवाया है, और दूसरा कॉपी जो होता है वो आपको वहाँ पर जब आप ट्रेनिंग पर जाएँगे
ट्रेनिंग सेंटर पे, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट डे पे मांगा जाएगा, तो इसलिए इसको संभाल के, इस कॉपी को जो है पोस्ट ऑफिस का यूसीआर होता है, इसको संभाल के रखना होता है, वहाँ पे जमा करना होगा आपको फॉर्म के साथ। ये हो जाने के बाद ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट पीटीसी के तरफ से इशू होते हैं, जो आपके डिवीजन ऑफिस में आ जाते हैं। यहाँ से आपको बताया जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो पीटीसी का जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। प्रेग्नेंट लेडी कैंडिडेट शुड नॉट बी सेंट फॉर द ट्रेनिंग। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको नहीं भेजना होता है ट्रेनिंग पर, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रखा है। ऑफिशियल विथ सीरियस इलनेस, कोई वैसा भी कैंडिडेट हो जिसको कुछ बीमारी है, वो अपनी ट्रीटमेंट करा रहा है, तो वो भी अपना अभी ट्रेनिंग पर नहीं जा सकता, उसकी ट्रेनिंग पोस्टपोन कर दी जाती है। वो जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब वो ट्रेनिंग पे जा सकता है। इसके अलावा और भी है कि क्या क्या पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे मदुरई है, यहाँ इन लोगों को जाना मदुरई है, तमिलनाडु के लिए मदुरई में ट्रेनिंग सेंटर है। तो चेन्नई टू मदुरई डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 12 आवर का जर्नी है बाई ट्रेन, तो इन लोगों को एक दिन पहले निकलना होता है। और उसके अलावा जिस दिन से आपको ट्रेनिंग है, जैसे इनका 9 जुलाई से ट्रेनिंग है, तो एक दिन पहले वहाँ रिपोर्ट भी करना होता है, 8/7/2018 संडे को 5 बजे से पहले, मतलब एक दिन पहले आपको, जिस दिन से ट्रेनिंग की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है उससे एक दिन पहले शाम को 5 बजे से पहले आपको रिपोर्ट करना होता है। क्योंकि आप जब शाम को जाएंगे वहाँ पे एक दिन पहले, तो उस दिन आपको हॉस्टल अलॉट होगा, कौन सा रूम मिला, कौन सा आपका रूम पार्टनर होगा, ये सब उस दिन एक दिन पहले अलॉट हो जाता है। आपको बेड सीट मिल जाएगा, आपका रूम अलॉट हो जाएगा, की मिल जाएगा, योगा होता है या एक्सरसाइज जो होता है उसका योगा मैट मिलेगा, ये सब चीज़ें एक दिन पहले आपको दे दी जाती है, इसलिए आपको एक दिन पहले बुलाया जाता है। इसके अलावा एक फ़ोटो लेके जाना होता है आपको, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। हाँ, ट्रेनी हैव टू मैंडेटरी अवेल हॉस्टल फैसिलिटी। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका ट्रेनिंग सेंटर से घर बहुत पास में होता है, मतलब वो घर से सोचेंगे कि मैं आके क्लास करके घर चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ट्रेनिंग में ही 2 महीने तक ट्रेनिंग में ही रहना है। हाँ, हॉलीडे जो मिल रहा है, गजटेड हॉलीडे या संडे को जो हॉलीडे हो रहा है, उस दिन आप परमिशन लेके घर पे जा सकते हैं, फिर मंडे को मॉर्निंग में आके अपने क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं क्लास किया उसके बाद डेली घर चला जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है, आपको हॉस्टल में ही रहना है, ये मैंडेटरी है। अब दे रखा है कि इंडक्शन ट्रेनिंग, नेम ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडक्शन ट्रेनिंग है तो इसके कॉस्ट क्या है ये दे रखा है। टोटल तो 15,000 दे दिया, इसमें क्या इंक्लूड किया, पर डे कितना हो रहा है, 250 रुपीज़, एक दिन का 250 रुपये हो रहा है, उसके अनुसार ये कैलकुलेट कर लिया कि 57-58 डेज जो भी बन रहा है वो कितना हो रहा है, तो 15,000 रुपये बन रहा है। इसके अलावा आपका जो, यदि घर ट्रेनिंग सेंटर से दूर है तो आप बाई ट्रेन जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, तो अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो आप थर्ड एसी से जा सकते हैं, और आने जाने का टिकट का भी पैसा आप डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं, TA DA भी अलाउ होता है इसमें। तो अगर आपका डिस्टेंस है घर से, पीटीसी का जो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप पहले से प्लान कर लें और टिकट वगैरह ले लें 3 टायर AC का, और डिपार्टमेंट से उसके पैसे क्लेम करवा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये है जो कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, और मैं इसको बोलूँगा कि आप इसको मतलब 99.99% फॉलो करें, 0.1% चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि 100% इसको फॉलो करें। ये ना हो कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ दोषी पाए गए या कुछ भी पनिशमेंट वहाँ मिलेगा, तो आपको लगेगा कि स्कूल की तरह पनिशमेंट है, लेकिन ये पनिशमेंट आपको पूरे 60 साल तक झेलना होता है। जो भी पीटीसी में पनिश आपको पनिशमेंट मिलेगा वो आपके सर्विस बुक में रिकॉर्ड होता है, वहाँ से वो जो डायरेक्टरेट है, एडिशनल डायरेक्टर जो होगा, वो ऑर्डर भेज देगा आपको डिवीज़न को, वो आपके सर्विस बुक में वो रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपने ऐसा मिसबिहेव किया था, ये किया था ट्रेनिंग सेंटर पर, उसका नुकसान आपको पूरे सर्विस पूरे 60 साल तक झेलना होता है। तो इसलिए 2 महीने की बात होती है, आप आराम से रहें, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ का उसको फुलफिल करें। थोड़ा सा मुश्किल होता है, रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है लोगों को, 2 महीने की बात होती है, अपना एडजस्ट हो जाता है। जो मेन मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ, पंक्चुअल, क्लास में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका टाइमिंग है क्लास का, आप 5 मिनट पहले पहुंच जाए, 1 मिनट देर ना होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। या 5 मिनट पहले पहुंच के वहाँ बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मिनट के देर होने से दिक्कत हो सकती है। ट्रेनिंग पीरियड में लीव ग्रांट नहीं होता, कुछ वैसा स्पेशल केस है तो आप 1 से 2 दिन का CL ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए लीव चाहिए बीच में कि मैं बाद में जाके कर सकता हूँ, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा कुछ प्लान है तो आप ट्रेनिंग से पहले ही अपने रीजन दिखा के ट्रेनिंग को पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है आपके पास। बहुत बार होता है कि आप
आपका अगले महीने कोई एग्ज़ाम है, इस महीने से आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो आप ट्रेनिंग पर चले गए, मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेके एग्ज़ाम दे के फिर आ जाऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके साथ भी वैसा कुछ केस है तो आप अपनी ट्रेनिंग को ही पोस्टपोन करा लें। जाने से पहले ही अपने डिवीज़न में एक लेटर लिखे, रीज़न दे कि मेरा ये एग्ज़ाम है, ऐसा है, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, आपकी ट्रेनिंग पोस्टपोन हो जाएगी, आपके नेक्स्ट बैच में भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जाना ही जाना है, अगर आपके पास सफिशियंट रीज़न है तो आपका ट्रेनिंग पोस्टपोन हो जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये तो भूल के भी ना करें, ये तो ऐसे भी करना हानिकारक है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप पा लिए गए तो आपको सर्विस से भी डिबार किया जा सकता है, मतलब आपको सर्विस से निकाला जा सकता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का केस ऐसा होता है तो आपको सर्विस से भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें तो आप भूल ही जाए 2 महीने के लिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अगर करते हैं जो उनके लिए है। इसके अलावा बहुत बार होता है कि लोग आयरन लेके या वाटर हीटर लेके चले जाते हैं, ये सब अलाउड नहीं होता है। आप लेके गए, यूज भी कर रहे हैं रूम बंद करके अपने हॉस्टल में, बाई चांस किसी दिन अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और वहाँ पे जो भी आप गलती कर रहे हैं ना, उसके जो भी कार्रवाई होगी वो बड़ा पनिशमेंट ही देते हैं, छोटे पनिशमेंट वहाँ नहीं मिलता, जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि मैं ट्रेनिंग पे गया था तो ऐसे हुआ, उसका पनिशमेंट आपको 60 साल तक मिलेगा। तो कोशिश करें इन सब चीज़ों से बचने के लिए। आयरन के लिए आपको कपड़े आयरन कराने होंगे, वहाँ पर 2-4 रुपये दे के आप धोबी मिल जाते हैं वहाँ पर, पीटीसी में आपको ये सब मिल जाएगा, आप वहाँ से करा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स क्लासरूम में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं, उसको साइलेंट रखें या साइलेंट ही रखना सबसे बेस्ट है, आप मोबाइल फ़ोन यूज ना करें, क्लासरूम में बैग में रख लें, साइलेंट करके बैग में रख लें, क्लास ख़त्म हो उसके बाद अपना देख लें, जो भी मैसेज है कॉल्स है वो देख सकते हैं। फोटोग्राफी, कैंपस में कहीं भी आप फोटोग्राफी करते हुए पकड़े गए तो इसके लिए भी आपको पनिशमेंट किया जाएगा। आपको लगेगा कि हमें कोई नहीं देख रहा, मैंने फ़ोटो खींच लिया हूँ, जितने भी पीटीसी हैं मोस्टली सब सीसीटीवी कैमरा, सब पीटीसी में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, मेरा फ़ोटो भी सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है, तो आपको सीधा ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा कि इस बच्चे ने इस टाइम पर फ़ोटो खींचा हुआ है। आपको आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास वीडियो फुटेज होगा, वो आपको दिखा के आपको पनिश कर देंगे कि ऐसा ऐसा इस बच्चे ने किया है। तो इसलिए फोटोग्राफी तो भूल के भी ना करें कैंपस में, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपका फुटेज बन जाएगा। इसके अलावा टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होता है वहाँ पर, जैसे कि 9:30 PM जो है रात के 9:30 बजे के बाद आप कैंपस में घूम भी नहीं सकते हैं, 9:30 बजे तक अलाउड है कि आप खाना खा के वॉक पे इधर उधर घूम सकते हैं कैंपस में, लेकिन 9:30 के बाद आपको अपने हॉस्टल रूम में ही रहना है, हॉस्टल रूम से बाहर नहीं आना है, कैंपस में आपको नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा 10:30 जब हो गया तो 10:30 के बाद आपका रूम का जो स्विच लाइट है वो स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, ये सब रूल रेगुलेशन है। आपने नहीं स्विच ऑफ किया कोई दिक्कत नहीं है, कोई देख नहीं रहा तब तक ठीक है, अगर किसी ने देख लिया, हायर ऑफिशियल में आपका जो इंस्ट्रक्टर है, डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, किसी ने देख लिया बाई चांस, बहुत बार होता है कि पनिश करने के लिए लोग रात को भी राउंड लगाते हैं, हायर ऑफिशियल जो है रात को घूम के देख रहे हैं जिसके रूम में दिख गया वैसा, तो उस टाइम पे भी जा सकते हैं आपके रूम पे, या फिर बाद में आपको अगले दिन अपने ऑफिस में बुला के पनिश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली है। 10:30 बजे तक आप अपना लाइट ऑफ कर दें रूम का। 7:30 बजे के बाद, शाम के 7:30 बजे के बाद, जैसे क्लास 5:30-6 बजे तक ख़त्म हो जाती है, सारे पीटीसी में यही रूल रेगुलेशन है। उसके बाद आसपास के जो बाहर आपको कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन 7:30 से पहले आपको कैंपस में वापस आ जाना होता है, जो भी कैंपस है 7:30 से पहले आपको वापस आ जाना होता है। इसमें कोई भी आपको नहीं है कि 7:30-8:09 बजे तक मैं आऊँगा तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, अगर आप बाहर से आते जाते पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट किया जा सकता है, इसलिए 7:30 बजे से पहले आपको अंदर आ जाना होता है। मेन जो रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट था यही था, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे हैं, वो सब भी आपको जब आप जाएंगे तो ये पेपर आपको मिलेगा प्रॉपर, आप स्टडी कर लेंगे एक बार डिटेल्स में, आपको सब चीज़ दिख जाएगा। कोशिश करें कि हर एक चीज़ को फुलफिल करने को, वहाँ पे कोई भी ऐसा गलती ना हो जिसके लिए मुझे पनिश किया जाए। अब इनके जो ड्रेस कोड हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, मैं आपको ड्रेस कोड दिखा दे रहा हूँ। पहले तो आप मेस टाइमिंग चेक कर लें, ये थोड़ा सा 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है अलग अलग पीटीसी के, लेकिन मोस्टली पीटीसी के सेम ही होते हैं। जैसे कि कॉफ़ी और चाय का जो है सुबह 5:30 से 6:30 है, अगर आप सुबह उतना उठ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं उठ पाए तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर गए तो आपको कॉफ़ी टी नहीं मिलेगा सुबह का। ये नहीं है कि आप
7 बजे का, या बोलेंगे कि मुझे चाय दे दो कॉफ़ी दे दो, तो नहीं मिलेगा। दूध भी बहुत जगह दूध भी होता है, कॉफ़ी टी और दूध तीनों अवेलेबल होता है, जिसको जो पीना हो पी सकता है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट, इस टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस टाइम पे आप नहीं गए तो आपको नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट का 7:30 to 9 है, लंच का 1 to 2 है, उसके बाद डिनर का 7:30 to 9 है। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइमिंग, मेस का टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ड्रेस कोड भी, मेस के लिए भी ड्रेस कोड होता है। ये नहीं कि आप क्लासरूम में फॉर्मल पहन के गए और जब मेस में जा रहे हैं तो कुछ ही पहन के चले गए, नहीं, यहाँ भी आपको फॉर्मल ही पहन के जाना है। ये नहीं कि खेल रहे हैं स्पोर्ट्स का ड्रेस जो है ग्राउंड पे हूँ, ग्राउंड वाला ड्रेस ही पहन के मेस में चला गया, ये सब अलाउड नहीं होगा। वहाँ भी प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस ही पहन के जाना होता है। जैसा कि ये ड्रेस कोड देख रहे हैं, मेंस के लिए क्या क्या है, फुल स्लीव या हाफ स्लीव शर्ट अलाउड है, ट्राउजर्स या व्हाइट धोती, इसके अलावा दूसरा ड्रेस नहीं हो पहन सकते। मीन्स आप टी शर्ट नहीं पहन सकते क्लासरूम में या बाहर में, जींस नहीं पहन सकते, आपको ट्राउजर्स पहनना है और फुल स्लीव या हाफ स्लीव शर्ट पहनना है। शूज में कौन सा, ब्लैक या ब्राउन कलर का लेदर शूज और सॉक्स कंपलसरी, नहीं कि बिना सॉक्स के बिना जुराब के आप जूता नहीं पहन सकते, लेदर का शूज होना चाहिए, ब्राउन और ब्लैक कलर का। ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग पे जा रहे हैं उनके लिए हैं, जो सर्विंग ट्रेनिंग होते हैं उनके लिए अलग रूल है। लेडीज कैंडिडेट के लिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है, साड़ी हो, सलवार कमीज हो, चूड़ीदार हो या एनी अदर ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो आप पहन के जा सकते हैं क्लासरूम में या वहाँ पे कैंपस में। जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, शर्ट, लुंगी, शर्ट, स्कर्ट्स, नाइट ड्रेस, पैजामा आर नॉट अलाउड एनी वेयर आउटसाइड द हॉस्टल रूम। आप हॉस्टल रूम में, लेडीज़ कैंडिडेट हॉस्टल रूम में पहन सकती है, हॉस्टल रूम से बाहर जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, नाइट ड्रेस, पैजामा ये सब पहन के अलाउड नहीं है, आप हॉस्टल रूम में पहन के रह सकते हैं। वैसे ही मेंस के लिए हाफ पैंट हो गया, गंजी जो भी है वो हॉस्टल रूम में अलाउड है, हॉस्टल रूम से बाहर ये सब नहीं पहन सकते। हॉस्टल रूम से बाहर आपको जो फुल स्लीव या हाफ स्लीव शर्ट और ट्राउजर ही अलाउड होगा। स्पोर्ट्स के लिए, जो सुबह में रनिंग होती है, योगा होता है, उसके लिए भी अलग ड्रेस कोड है। उसके लिए व्हाइट शूज आपके पास होना चाहिए और व्हाइट ड्रेस ही, मीन्स ट्राउजर भी व्हाइट होना चाहिए और टी शर्ट, आप मॉर्निंग टाइम में जब रनिंग होता है, योगा होता है, उस टाइम पे व्हाइट टी शर्ट और ट्राउजर, ट्रैक पैंट और पहन सकते हैं, व्हाइट कलर में पूरा व्हाइट ही होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपका कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।